अरे ये कोई पागल वागल तो नहीं, लगता है मेंटल हॉस्पिटल से चोट कर आया है। लकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक गरीब स्टूडेंट है जिसकी गरीबी का हर कोई मजाक उड़ाता था। एक राधिका ही थी जो हमेशा लकी का साथ देती थी और लकी भी दिल ही दिल में उसे बहुत चाहता था। पर दो दिन पहले एक ऐसी घटना घटती है जिस वजह से दोनों के बीच गलतफहमी पनप गई और राधिका लकी को छोड़कर चली गई। राधिका की याद में लकी की हालत पागलों जैसी हो गई थी। वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठा तो उसे अपनी सामने वाली कुर्सी पर राधिका दिखने लगी, जबकि राधिका वहाँ थी ही नहीं और लकी वहाँ अकेले बैठे बैठे राधिका का नाम लेकर बड़बड़ाने लगा। लकी की हालत देख बाजू वाली टेबल में बैठा आदमी बोला, लगता है इसकी गर्लफ्रेंड इसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। क्या पता इसकी राधिका किसके साथ रास रचा रही होगी। ये बात सुनते ही लकी का खून खौल उठा और उसने एक घूंसा उस शख्स को जड़ दिया। ये देख वो शख्स बोला, तेरी इतनी हिम्मत, जो शंकर दादा से पंगा ले रहा है अभी सारी गर्मी निकालता हूँ। ये कहकर जैसे ही शंकर दादा ने घूंसा मारने के लिए अपना हाथ लकी की ओर बढ़ाया, तभी लकी ने एक जोरदार लात शंकर दादा के सीने में जड़ दिया, जिसके असर से वो उछलकर रेस्टोरेंट के बाहर जा गिरा और उसकी कमर टूट गई। कराते हुए शंकर दादा ने अपने चेले से कहा, इस दो कौड़ी के स्टूडेंट की इतनी हिम्मत, वसीम भाई को फोन लगा अभी के अभी। होटल के मैनेजर ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो घबराते हुए लकी के कानों में बोला, आप प्लीज इस शंकर दादा से माफी मांग लीजिए, शायद आप जानते नहीं वसीम भाई शहर का बहुत बड़ा डॉन है, वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। शंकर दादा ने जैसे ही वसीम भाई को फोन लगाकर लकी की शिकायत की तो दूसरी तरफ से वसीम भाई बोला, कौन है ये नया शेर, नाम तो बता और शक्ल तो दिखा उसकी। उसका नाम लकी अग्रवाल है। ये कह के जैसे ही शंकर दादा ने कैमरा लकी की तरफ घुमाया तो वसीम भाई के होश उड़ गए और वो शंकर दादा पर झुंझलाते हुए बोला, अबे गधे उल्लू के पट्टे, तुझे मालूम है तूने किस पर हाथ उठाने की कोशिश की है, खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा क्या। और आगे वसीम भाई ने जो कहा वो सुन के शंकर दादा के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो लकी के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, लकी भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं गधा हूँ उल्लू हूँ बेवकूफ हूँ भाई, आप चाहो तो मुझे दो चार घुसे और मार लो। आखिर वसीम भाई ने शंकर दादा से ऐसा क्या कहा कि वो लकी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। क्या लकी कोई बड़ा गुंडा है या पावरफुल इंसान है? अगर लकी अमीर है तो गरीबों वाली जिंदगी क्यों जीता है? क्या है लकी की असलियत? जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम और सुनिए कहानी इंस्टा मिलियनेयर।